too many times. Feeling like another ends back again. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑफिस मेकअप लुक, जो कि मैंने बहुत इजी और स्टेप बाय स्टेप किया है। और यहाँ पर मैंने सुनीसा फाउंडेशन अप्लाई किया है फ्रेंड्स, इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है सुनीसा फाउंडेशन के लिए, वो दूर होने वाली है कि आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई करें या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, तो ये प्रॉब्लम सब दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोजिप टोनर, जो कि स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। मेकअप अप्लाई करने से पहले स्किन केयर में बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आपके पास कोई भी टोनर हो, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ले रही हूँ पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और ये पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और बहुत ईजी तरीके से कहीं भी आपको मिल जाएगी। सुनीसा फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जिसकी ड्राई स्किन है तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ मालियो का प्राइमर, जो कि आप देख सकते हैं मैंने सिलिकॉन मालियो प्राइमर लिया है, और ये 24 आवर्स प्राइमर है और ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है। और ये मैंने सुनीसा फाउंडेशन से पहले अप्लाई किया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ सुनीसा फाउंडेशन, जो कि आप देख सकते हैं ये मैं इस तरह से कुछ अप्लाई करूँगी। और फ्रेंड्स, ये फाउंडेशन जो है, मैंने इसकी डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप इसको ज़रूर देखें। आप इसको डिटेल्स में, अगर आपको इस फाउंडेशन के बारे में कुछ जानना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सिलिकॉन बेस प्राइमर अप्लाई किया है, मैंने जो उस वीडियो में बताया है वो मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर प्राइमर अप्लाई किया था, और यहाँ पर मैंने सिलिकॉन अप्लाई किया है। तो ये दोनों के लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पर वाइटिश टोन में किया था अप्लाई तो उसकी वजह से ये इतना वाइट दिख रहा है। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और कितना अच्छा ये कवरेज दे रहा है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है फ्रेंड्स ये वाला फाउंडेशन। और यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट भी इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। जितनी भी आपकी कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, सब दूर हो जाने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस फाउंडेशन से पहले मैंने क्या अप्लाई किया है और उसके बाद में क्या अप्लाई कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है फ्रेंड्स। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हुदा ब्यूटी की न्यूड पैलेट, और यहाँ से मैंने ये पीची काइंड ऑफ शेड लिया है, और इससे मैं अपनी पूरी आई लिड पर इस तरह से ब्रश से अप्लाई करूँगी, ब्लेंडिंग ब्रश से, और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करने वाली हूँ आई शेड। आपके पास कोई भी शेड हो, आप लाइट ब्राउन या कोई भी शेड हो, आप अपनी आईज़ पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी पैलेट से मैंने बहुत ही लाइट सा ये शेड लिया है, और इसको मैं फ्रेंड्स अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। बहुत ही ज़्यादा लाइट सा मुझे अप्लाई करना है, ऑफिस वर्किंग गर्ल है या जॉब करती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स। मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है, सुबह को करेंगे तो शाम तक आपका ये टिका रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मालियो का स्केच लाइनर लिया है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ और बहुत बेस्ट लाइनर है, और बहुत ही ईजी तरीके से अप्लाई हो जाता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फ्रेंड्स, इस आई लाइनर को आप ज़रूर बाय करें, आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ SFR का चिक स्टिक, तो ये जो है फ्रेंड्स पीच कलर की स्टिक है, और ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, और मैं इसको विंटर्स में इसी को अप्लाई करती हूँ। और मेरे जो चेक्स होते हैं ये नेचुरल ग्लो करते हैं और नेचुरल एक पिंक लुक देते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ये। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ आईब्रो पैलेट, ये फैशन ब्यूटी की बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको आपकी लोकल शॉप से ये मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसने वर्क किया है मेरी आईब्रोज़ के ऊपर, और बहुत ही अच्छी ये आईब्रो पैलेट है। और यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं, और एक स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ के हेयर को सेट कर लूँगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आईब्रो अपनी लोअर लैश लाइन पर शेड अप्लाई किया है, जो मैंने अपनी आईज़ पर अप्लाई किया था। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ काजल, स्विस ब्यूटी का ब्लैक सुपर ब्लैक काजल है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट काजल है फ्रेंड, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर आपको इस काजल के ऊपर एक वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा लिया है, यहाँ पर मैं लैशेज अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि ऑफिस गर्ल के लिए, जॉब गर्ल्स जो होती हैं उनके लिए लैशेज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तो आप ये वाला ज़रूर यूज़ कर सकते हैं मस्कारा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ
ग्लैम 21 की लिप क्रेयॉन बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग पिगमेंटेशन और वाटरप्रूफ लिपस्टिक है ये। मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है। इसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जितने भी मैंने मेकअप अप्लाई किया है सबकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये शेड है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा और अपने ग्लो करने के लिए अपने चिक्स को, नोज़ को, तो और थोड़ा सा लगा रही हूँ। और ये फ्रेंड्स मेरा आप देख सकते हैं मेकअप कम्प्लीट है बिल्कुल। यहाँ पर मैंने ऑफिस गर्ल्स के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से होने वाला मेकअप बताया है, बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप बताया है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये है मेरा फाइनल लुक, और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है और आपके लिए यूज़फुल है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Too many times, feeling like it never ends. Back again, square one.